एहसास आपके अल्फाज हमारे प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे हरियाणवी सेंसेशन सपना चौधरी की। स्कूल के दिनों से ही सपना चौधरी ने स्टेज परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी, लेकिन पिता के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी सपना चौधरी पर आ गई। एक तरफ पैसे की तंगी और दूसरी तरफ पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होने की वजह से सपना ने डांसिंग को ही अपना करियर बना लिया। हरियाणवी रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए मजबूरी में लिए गए फैसले ने सपना को ईयर 2018 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली पर्सनैलिटीज की टॉप लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। ये बात सही है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। सपना को शुरुआती दिनों में जिस गीत ने एक सॉलिड पहचान दी वो गीत है ये। बिग बॉस सीजन 11 में सपना को उनकी अपार लोकप्रियता और जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए एंट्री दी गई थी। बिग बॉस सीजन 11 की ओपनिंग सेरेमनी में ही सपना ने सलमान को अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर दिया था। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद सपना चौधरी की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त उछाल आया, और ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तेरे घूम के सपना चौधरी मेरा मन तरसावे। सपना चौधरी ने बॉलीवुड में कदम रखा तो फिल्म में उनके नाम पर ही गाना बनाकर फिल्माया गया जो काफी फेमस रहा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वेस्टर्न कल्चर की चकाचौंध के बीच सपना चौधरी ने हरियाणवी गीत व संगीत को अपने मदहोश कर देने वाले अंदाज से देश विदेश में काफी फेमस कर दिया है। हरियाणा से सपना का शुरू हुआ सफर पंजाब, राजस्थान व यूपी से होते हुए बॉलीवुड तक पहुंच गया, लेकिन सपना का सपना इतना बड़ा है कि वो अक्सर ये बातचीत के दौरान अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
और उसके बाद आया ये हरियाणवी सॉन्ग जिसने सपना के चाहने वालों को इस कदर घायल किया कि हरियाणा की इस धाकड़ छोरी ने हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। शादी ब्याह से लेकर डिस्को, पब्स व पार्टीज तक में लोग डीजे से इस गाने को बार बार बजाने की फरमाइश करते हैं। सपना के बिंदास डांसिंग स्टेप्स ने अगले पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आप देख सकते हैं कि सपना चौधरी की परफॉर्मेंस देखने के लिए दर्शकों का हुजूम किस कदर उतावला रहता है। सपना के शो की बुकिंग के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है और शो में इतनी जबरदस्त भीड़ होती है कि कई बार तो पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ता है। अब कोई सपना से जरा ये सवाल करे, लाहौर में भी चल रहे तेरे चर्चे, अफगान में भी छपन लगे सपरचे, यू सीधा साधा बालक इनकार करे से, तू बंदूक दिखा के मन प्यार करे से, भाई ले रही से कती तूला देन बरगा, कती गुंडे घरा की हो रही से, कदे उन मरवावे कदे उन पिटवावे के दाऊद की छोरी से, कदे उन मरवावे कदे उन पिटवावे के दाऊद की छोरी से। हो पहली बार में लगी तू मने जीती सी, तू लिकड़ी जलेबी जूं सीधी सी, हो पहली बार में लगी तू मने जीती सी, तू लिकड़ी जलेबी जूं सीधी सी, तू मने कया करा थी टिल्लू, मैं तने कया करूं था पिद्दी सी, भूल गई पुरानी बात कर लेना याद, तू किन ख्याला मैं खोरी से, कदे उन मरवावे कदे उन पिटवावे के दाऊद की छोरी से, कदे उन मरवावे कदे उन पिटवावे के दाऊद की छोरी से। सोची जाऊं रोज में जल रख से बंदूक बुआ गोज में, बात करने की सोची जाऊं रोज में,
कैसे बंदूक बुआ गोज में मन दूर ते घना डर लाग कैसे क्यों कर आऊं कलोज में तू मेरे ले सखुआ बोर तेरी मां तू बही मैं रिश्ता टोरी से कदे उन मरवाव कदे उन पिटवाव के दाऊद की छोरी से कदे उन सपना जब हरियाणवी अंदाज में बोलती हैं तो सामने वाला बस यही कहता है वाले चैलेंज तो आपने बहुत देखे होंगे अब देखिए सपना का ये 10 दिन वाला चैलेंज हॉस्टल में कढ़ी हुई मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई हॉस्टल में सू में कढ़ी हुई मेरे क्यों कर नखरे ठावेगा 10 दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़े तार बगावेगा रे 10 दिन भीतर सुन ले मजनू इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सपना के लाखों फैंस हैं जो उन्हें भाभी के रूप में देखकर भी काफी खुश हैं। सपना चौधरी संजय दत्त और कंगना रनौत की बहुत बड़ी फैन है। हरियाणा की ये देसी गर्ल गीतों में खुलेआम बंदूक चलाने से भी गुरेज नहीं करती। सपना का बेबाक अंदाज बिंदास बोली मस्ती में सराबोर उनके स्टनिंग मूव्स उन्हें बाकी स्टेज परफॉर्मर से अलग बनाते हैं। सपना के मीठे बोल सुनकर आपको उनकी हर बात सच्ची लगेगी। यकीन नहीं होता तो फिर खुद देख लीजिए। बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे मने मत पूछ मने क्यों तू इतनी अच्छी लागे शान से तेरी गजब की तेरे पे मेहर सरब की तू खुशबू की लड़ी से मेरे ते दूर खड़ी से बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे मने मत पूछ मने क्यों तू इतनी अच्छी लागे शान से तेरी गजब की तेरे पे मेहर सरब की तू खुशबू की लड़ी से मेरे दूर गड़ी से हम
सपने नींद ना आवे, आवे तो सपने आवे, या दुनिया दुश्मन दिखे मन अपने ना भावे। रूह मेरी भटकी भटकी तेरे में अटकी अटकी, रूह मेरी भटकी भटकी तेरे में अटकी अटकी, तू खुशबू की लड़ी से मेरे ते दूर खड़ी से, क्यों बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे, मन मत पूछ मने क्यों तू इतनी अच्छी लागे, शान से तेरी गजब की तेरे पे मेहर से रब की, तू खुशबू की लड़ी से मेरे ते दूर खड़ी से, हम नैन ते नैन मिले जब मेरे दिन रात चले तब, फूल से होठ खुले जब मेरे ये भाग खुले तब, नशा शिर बोले चढ़के के दिल मेरा धक धक धड़के, नशा शिर बोले चढ़के के दिल मेरा धक धक धड़के, तू खुशबू की लड़ी से मेरे ते दूर खड़ी से। तो फिर सपना चौधरी के सभी सपने पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए एहसास आपके, अल्फाज हमारे, लोकेश गुप्ता के साथ। शुक्रिया।